भैया ये फ्रिज देख रहे हैं पिछू में, एकर कंप्रेसर के वारंटी 20 साल के है। मतलब समझ रहे हैं, जे अभी छोटका छोरा है वो जवान हो जाएगा, ओकरो एक आध गो धियापुता हो जाएगा, तैयो ये कंप्रेसर के वारंटी जो है खत्म नहीं होगा। ये देखिए 20 ईयर वारंटी ऑन डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, और वहीं यहाँ देखिए इसका कैपेसिटी जो है 653 लीटर का, मतलब इसका जो है स्टोरेज कैपेसिटी 653 लीटर का है। आ ये 5 स्टार में है, यहाँ देखिए मतलब ये अलमारी जैसा फ्रिज है साइड बाय साइड, और सब कंपनी का भी हम देखे हैं जा जा करके, 5 स्टार में कोई भी कंपनी नहीं बनाता है, ये साइड बाय साइड फ्रिज है अलमीरा जैसा फ्रिज। सैमसंग का ही पहला फ्रिज है जो 5 स्टार में हम इस साइड बाय साइड फ्रिज देख रहे हैं। इसके अंदर से देखिए, ये इस तरह से खोले हम, और सबसे बढ़िया जो इसमें हमको लगा ये ट्विन कूलिंग प्लस। इसके बारे में हमको भी बढ़िया तरीका से नहीं है मालूम, यही कारण है कि हम आए हैं इधर, आते रहते हैं हर दुकान में। जब हमको कुछ सीखने का मन करता है तो हम ई दुकान वो दुकान वो दुकान घूमते रहते हैं, सब तरह का प्रोडक्ट है यहाँ। इधर देखिए एक तरफ से फ्रिज का लाइन लगा हुआ है, कोई एगो कंपनी नहीं है, सब कंपनी का है। इस तरफ से फ्रिज है, फिर उधर जा करके वाशिंग मशीन है, मतलब तार बिहार करते रहते हैं कि कौन में कौन फीचर्स है, क्या नया आ रहा है मार्केट में। कहे कि हम भी यही फील्ड में, हमसे भी कोई पूछता है कि कौन सा बढ़िया रहेगा कौन सा बढ़िया नहीं रहेगा, तो उनको हम कैसे बता सकते हैं, जब हमको पता रहेगा तब ना। तो यही सब के कारण से हम जो है कभी ये दुकान तो कभी वो दुकान। सर एक्चुअली इस फ्रिज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये फ्रिज जो है ट्विन कूलिंग प्लस के साथ आता है। ट्विन कूलिंग प्लस, जैसे आप जानते होंगे कि फ्रिज में कूलिंग कॉइल होता है जी, एवेपोरेटर बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में, और आप लोग उसे कूलिंग कॉइल बोलते हैं। हाँ, कूलिंग कॉइल बोलते हैं। कूलिंग कॉइल जो है इसमें कंप्रेसर एक है, लेकिन कूलिंग कॉइल इसमें दो है। अच्छा, तो फ्रीजर कंपार्टमेंट के अलग कूलिंग कॉइल है और फ्रिज कंपार्टमेंट का अलग कूलिंग कॉइल है। अच्छा, जिसके बिहाफ पे आपको सेपरेट कूलिंग मिलता है। अब सेपरेट कूलिंग, जैसे कि एक होता है मोनो कूलिंग, अगर आप एक ही कूलिंग कॉइल है तो इधर का एयर इधर और इधर का एयर सर्कुलेट होगा बिल्कुल, और इधर से उधर हवा जब ट्रांसफर करेगा या फिर कूलिंग जब ट्रांसफर होगा तो साथ में गैस और बैक्टीरिया को भी लेकर आएगा। अच्छा अच्छा, जो उसके स्मेल है जी उसके स्मेल को और बैक्टीरिया को भी लेकर आएगा, जो कि दूसरे फूड पे इम्पैक्ट डालेगा। मान के चलिए कि आप इसमें दही रखे हुए हैं जी या इसमें आप फ्रूट रखे हुए हैं, इसमें आप दूध रखे हुए हैं जी। अब जैसे आपका चाहे वो नींबू हो संतरा हो या फिर मैंगो का सीजन में आप मैंगो स्टोर करते हैं और यहाँ पे दूध रखते हैं जी। जब भी मैंगो और दूध का संपर्क आएगा आपस में, उसके एयर मिक्स होंगे तो दूध फट जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इस फ्रिज में आपका ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, इसका प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखिए तो इस फ्रिज को अगर इस तरीके से आप इस तरफ आइए मेरे तरफ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस फ्रिज को इधर से बंद करूंगा तो देखिएगा आप, ये वाला ढक्कन, ये वाला एरिया, इसका डोर नहीं ओपन होगा, ये वाला डोर एजिट रहता है, ओपन नहीं होता है जी। ठीक है जी। लेकिन अगर ये फ्रिज ट्विन कूलिंग प्लस नहीं रहता, ये आपको ट्विन कूलिंग प्लस इस फ्रिज में भी देखने को मिलेगा। ये भी फ्रिज देखिए यहाँ पे ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी के साथ है, इसका मतलब इसमें भी दो एवेपोरेटर है, जो कि एक फ्रीजर एरिया में लगा हुआ है, एक फ्रिज एरिया में लगा हुआ है। जी। तो अगर आप इसको इस तरीके से पुश करेंगे तो ऊपर वाला ढक्कन नहीं खुलेगा। अच्छा। लेकिन अगर सेम, अगर आप ये फ्रिज में आएंगे, ये फ्रिज देखिए यहाँ पे ट्विन कूलिंग प्लस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कन्वर्टेबल फ्रिज लिखा हुआ है। जी। तो अगर आप इस फ्रिज को इस तरह से पुश करेंगे तो ये वाला ढक्कन ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये है प्रैक्टिकल वे में कि आप इधर का एयर इस तरफ जा रहा है जी। और इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये डोर ओपन हो रहा है। अच्छा। इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे मिल्क रखा हुआ है, यहाँ पे मैंगो रखा हुआ है जी। तो आपका स्मेल मिक्स होगा और स्मेल मिक्स होने से आपका फूड फ्रेश नहीं रहेगा, खराब हो सकता है, जो कि आपको सैमसंग के ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी में बेहतर फीचर मिलता है। और उसके भी यहाँ पे आपका फूड ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा फ्रेश रहता है जी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये
टेक्नोलॉजी जो है सैमसंग ने अपने नाम कराया है, ये इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है, तो किसी अदर ब्रांड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये ट्विन कूलिंग सिर्फ सैमसंग सिर्फ और सिर्फ सैमसंग में है, ठीक है। इसीलिए ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल फीचर है और ये आपको साइड बाई साइड में भी आता है। अब आप ये दो फ्रिज है, अब इसका फायदा और भी है कि इस फ्रीजर को आप फ्रिज बना के भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। और किसी भी कंपार्टमेंट को, आप जिस कंपार्टमेंट को यूज नहीं करना चाहते उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये ट्विन कूलिंग प्लस का बेनिफिट है जो कि आपको अदर्स में नहीं आता है। तो काफ़ी ही प्रीमियम फ्रिज है और जानते हैं जब आप इस तरह का फ्रिज खरीदते हैं तो आप सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रखना चाहते हैं। लाइक अगर आप सामान रख रहे हैं इसमें तो आप ऐसा नहीं कि धनिया लेने गए तो पुदीना गिर गया, पुदीना लेने गए तो आपका नींबू गिर गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें इतना ज़्यादा स्पेस है कि सारी चीज़ों को कस्टमाइज तरीके से रख सकते, चाहे आपका दाल हो जाता है, बहुत सारी दालें हैं कि आप रेगुलर नहीं खाते लेकिन रखते हैं और रखा रखा खराब हो जाता है, सूजी हो गया, पापड़ हो गया, मैदा हो गया, बेसन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना सारा स्पेस मिलता है और आपका फूड ज़्यादा दिन तक लंबा सेफ रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आता है और साथ साथ ये फ्रिज जो है आपको वाईफाई इनेबल भी है, आपका वाईफाई से भी ये फ्रिज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके टेम्परेचर को, इसके इलेक्ट्रिसिटी को, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि कितना क्या कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे आपको मैनुअली है ना, यहाँ पे स्मार्ट थिंग्स फीचर दिया हुआ, एक एप्लीकेशन आता है जिसके जरिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन किसी भी, चाहे आपका ओएस कुछ भी हो, एप्पल हो या फिर आपको एंड्रॉयड हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी, ये स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन अवेलेबल है जो डाउनलोड करके आप चीज़ों को अपने सैमसंग के डिवाइस को आप वहाँ फ़ोन के जरिए ही ऑपरेट कर सकते हैं। साथ साथ इसमें इंडस्ट्री का पहला ब्रांड है जिसमें आपको 20 ईयर का कंप्रेसर वारंटी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा कंप्रेसर माना जाता है। यही चीज़ हम देख करके यहाँ पे देखने लगे। वैसे भैया का जो है बोलने का जो है स्टाइल इतना मस्त है कि कोई बुड़बक से बुड़बक आदमी समझ जाएगा। तो हमको हमको भी बढ़िया तरीका से नहीं मालूम था ट्विन्स कूल जो कूलिंग जो होता है इसके बारे में। जी जी। तो अभी हम फ्रिज में देखेंगे किसी भी, आप ये अभी आपने देखा ना सैमसंग का, आप कहीं किसी फ्रिज का सर्वे करने का ऑप्शन मिले आपको, उसका आप जब रिव्यू कर रहे होंगे तो आप देखिएगा किसी भी डोर को ऐसे है, अगर आप इस तरह से पुश कीजिएगा, ऑफ बंद कीजिएगा तो आपका दूसरा डोर अपने आप ओपन हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि वो ट्विन कूलिंग प्लस के साथ नहीं है। तो भैया देखिए कितना बढ़िया से समझाया कि ट्विन कूलिंग है, मतलब इसमें जो है दो कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, जैसे कंप्रेसर से जो है निकलता है गैस, तो वो जो गैस जो जा करके कूलिंग कॉइल से कूल करता है, तो इसमें जो है दो गो कूलिंग कॉइल लगा हुआ है। ऐसे जो जनरली और सब में तो एक ही गो रहता है और उसी के जो है कूलिंग को वो ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो उसमें फ़ैन लगा हो या किसी भी माध्यम से हो। लेकिन इसमें जो है ट्विन्स कूलिंग जो लिखा हुआ है, जैसा कि भैया बताए हैं, दो एवेपोरेटर और दो फैन लगा हुआ है जो सेपरेटली वर्क करता है दोनों ही कंपार्टमेंट के लिए। तो समझ गए, आप चाहें तो एक को बंद भी कर सकते हैं और दूसरा चलता भी रहेगा, या दूसरे को बंद कर सकते हैं पहला चलता रहेगा। और इस तरफ जो खाना रखेंगे, ये फ्रीजर जो है, इस तरफ जो खाना रखेंगे हो सकता है कि उसको कम टेम्परेचर का ज़रूरत हो और इस तरफ जो रखेंगे उसमें ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत हो, तो उस हिसाब से टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका स्मेल इसमें और इसका स्मेल उसमें भी नहीं जाएगा, जिससे कि खाना बर्बाद होता है, खाना जो ख़राब होने का जो है डर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर ओडोर मिक्स होगा, स्मेल मिक्स हो जाएगा, एक फूड का दूसरे फूड में स्मेल जाएगा, तो उसका जेन्युइन स्मेल जो उस फूड का, पर्टिकुलर फूड का होता है, वो तो आपको नहीं मिलेगा। फूड में अगर स्मेल मिक्सअप हो गया तो आपका जो एक स्मेल का भी टेस्ट होता है वो भी, अगर आपको वो मिक्स हो गया तो फिर आपका प्रोडक्ट, आपका जो भी खाना है वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जिस फील के साथ आप उसको खाना चाहते हैं। दूसरा चीज, दूसरे फूड पे इम्पैक्ट डाल भी रहा है और उसे खराब भी कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब ये हुआ ना कि एक तरफ जो है वो जो ड्राई फूड रख सकता है और दूसरे तरफ जो है वेट वाला जो फूड रहता है। जी जी, ये फ्रोजन एरिया है, ये पूरा एरिया, जैसे आपका पैकेट बंद खाना है या आप नॉन वेज के स्टोर रखते हैं, कुछ करते हैं, या फिर आप ऐसा करते हैं मकीन्स वगैरह का जो फ्रोजन फूड्स वगैरह आता है, मटर वगैरह जो आप बहुत दिन तक स्टोर करते हैं, सालों भर खाते हैं, वो सब चीज़ों के लिए फ्रीजर जोन यूज होता है बेसिकली। लेकिन अब इतना बड़ा फ्रीजर जोन है, अगर आप वो चीज़ें यूज नहीं कर रहे होते हैं, कहीं जा ही रहे हैं, तो आपको पूरा फ्रिज यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सारा
सारा फूड्स जो इसमें अवेलेबल है इसमें डाल के आप चले जाइए, इसको ऑफ कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको 43% तक कम मिलेगा इसमें, 41-43% तक लेस एनर्जी मिलेगा इसमें, जो कि आप मतलब बिजली भी बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजों के खासियत के साथ आता है, साथ साथ फ्रीजर को समझ गए, ट्विन्स कूलिंग वाला का यही खासियत है कि ले लिए हैं आप, ज़्यादा जो है खाना उना है आपके घर में, ज़्यादा खाने के शौकीन है तो ये ले सकते हैं ट्विन्स कूलिंग वाला जो है। कभी हो सकता है कि खाना कम हो गया तो किसी एक को चालू कीजिए, दूसरे को बंद कर दीजिए, इससे में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है कम कंजप्शन होगा। ये फीचर्स था। तो ट्विन कूलिंग का मतलब यही हुआ कि दो गो इसमें कूलिंग कॉइल लगा हुआ है, दो गो इवापोरेटर कॉइल लगा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, ये फ्रिज हमको लगा और इसका फीचर्स जान करके सबसे बढ़िया। तो भैया का जो है बोलने का तरीका ही एक नंबर था, समझ में आ गया।